ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बिहार थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा में अचानक विस्फोट होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। डीएम ने बताया कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जिसकी जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में हल्का धुआं दिख रहा है। आसपास जहां घटना की बात बताई जा रही है, वहां विस्फोट जैसी बात नहीं है। वहीं एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो युवक यहां से निकलते दिख रहे हैं, जिनकी तलाश अस्पताल जाकर भी की गई, जहां वहां कोई इलाज कराने नहीं पहुंचे। एफएसएल के दौरान जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हम लोग अभी तो आ करके देखे हैं, सीसीटीवी में हल्का धुआं निकला है वाइट, लेकिन अंदर का कोई डैमेज नहीं है और इतना टेम्प्ररी टाइप का बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, फिर भी न छत पे कहीं कुछ डैमेज है, न नीचे कोई डैमेज है, न दीवार पे कोई डैमेज है, तो ब्लास्ट का तो हम लोग को नहीं लग रहा है संभावना, लेकिन एफएसएल को बुलाया जा रहा है, फोरेंसिक वाले आएंगे तो वो फाइनली बताएंगे क्या है, लेकिन वैसा कोई लग नहीं रहा है कुछ। सर आज लोग बता रहे हैं कि बम विस्फोट हो गया था इसके कारण। नहीं देखिए, अभी हम लोग आगे यहाँ देखें, एक पीछे झोपड़ी है उसको देखें, और देखिए झोपड़ी खुला जाता है, बाकी झोपड़ियाँ बंद। ऐसा जैसे फुटेज भी हम लोगों ने देखा है, फुटेज में जो है वो धुआं निकलते हुए दिख रहा है, धुएं से स्पष्ट नहीं है, धुआं कई तरह से कई कारण से निकल सकता है, और पूरा हम लोगों ने सरफेस भी देखा, ये शिकायत आ गई है, सरफेस भी देखा, अगल बगल में देखा, ऊपर जो कपड़ा है उसको भी देखा गया, लेकिन ऐसा कोई जले का निशान कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फुटेज में एक दो लोग इससे झोपड़ी से निकलते हुए दिखे हैं, वो लोग अभी अस्पताल में नहीं हैं, हम लोग पता कर रहे हैं वो लोग कहाँ गए, तो उनको खोजा जा रहा है कि उनसे बयान लिया जा सके क्या हुआ है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।